तो अगर इसमें किसके पास विच पेयर डू नॉट हैव द, या नहीं, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, किसके पास इक्वल डायमेंशन नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें तो मुझे हर एक का चेक करना पड़ेगा, या नहीं तो आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़े हो, आपको बहुत कुछ याद है, तो ये वहीं लिखवा दिया जाता है थियरी में। तो एनर्जी और टार्क, अब देखो अभी आप पिछला क्वेश्चन किए हो, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला इक्वल होता है, तो ये सही नहीं होगा। एनर्जी और टार्क, एनर्जी देखो, एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, टॉर्क टाउ, टॉर्क जो होता है टॉर्क टाउ, टाउ जो होता है टॉर्क, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी क्या है, ये एनर्जी के बराबर हो गया, तो ये भी सही नहीं हो सकता। फोर्स एंड इम्पल्स, इलास्टिसिटी मॉड्यूल एंड प्रेशर, इलास्टिसिटी मॉड्यूल स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, और ये दोनों, ये भी सही नहीं हो सकता, इनको देखो, फोर्स और इम्पल्स, क्योंकि फोर्स जो होता है, इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम के इक्वल होता है यार, इम्पल्स जो आई, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम के इक्वल होता है, तो ये कभी डायमेंशनली इक्वल हो ही नहीं सकते, मतलब यही सही है। चलो एक कहता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें से किसका जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब जो बच्चे 11th में हैं या वो इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा डायमेंशनल लेस है, तो ये आ जाएगा बी ए, हमें चाहिए फ्लक्स फाई का डायमेंशनल फार्मूला। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड को और सिंपल करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है कंडक्टर पे बिल साइन थीटा, ठीक है, तो मैग्नेट साइन थीटा, इसका मतलब बी इज इक्वल टू हो गया एफ आई एल, आई क्या है करंट है, एल है लेंथ, एफ क्या है फोर्स ऑन द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ के रखूँ तो एफ आई एल और एरिया ए, इसका मतलब ये हुआ फोर्स आ जाएगा एम एल टी माइनस टू एरिया का एल का स्क्वायर, और करेंट का, करंट का एम्पियर, करंट का एम्पियर और लेंथ का एल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एल ने एल को, ठीक है, तो एम एम टी की पावर माइनस टू एल स्क्वायर और ए की पावर माइनस वन इज द यूनिट ऑफ डायमेंशनल, इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एम टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, हाँ चलो, एल की पावर टू, टी की पावर, एल की पावर टू, ए की पावर माइनस वन, मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इतने सारे क्वेश्चन किए, आगे जो है 99 के, जो 90 तक हम जाएंगे, और बाद में भी इसके और भी क्वेश्चन